तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में आपके साथ में एक क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, जो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, देखिए यही क्वेश्चन है और ये जो है आपको 10th का क्वेश्चन है, इसको मैं सोल्यूशन करूंगा। जिनको भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, वैसे देखिए आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको मैं सोल्यूशन कर दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर आपको मैं सोल्यूशन इसका दे दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए यही क्वेश्चन था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू। तो सिद्ध करना है कि क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन बराबर टू पी, इसको सिद्ध करना है। चलिए इसको मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए इसको क्या करते हैं, इतना जो दिया गया है इसको वर्ग कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों आप फॉर्मूला जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। चलिए इसको इसी फॉर्मूला पे बैठाते हैं। तो देखिए ये हो गया आपको ए, ये हो गया बी, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, और फॉर्मूला होता है टू ए बी, ए का मान हो गया साइन थीटा, बी का मान हो गया कोस थीटा। अब देखिए जब इधर स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर करेंगे, दोनों क्रिया बराबर होगा, यानी दोनों बराबर की इस साइड और इस साइड क्या होगा, दोनों और वर्ग करेंगे, यानी इधर भी होगा इधर भी, इधर क्या तो इतना हो गया, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर। चलिए ये पहला स्टेप हुआ, देखिए दूसरा स्टेप। अब इसको क्या करते हैं, आप जानते होंगे ये जो होता है, ये होता है सेक होता है कॉस का उल्टा होता, ये हो जाएगा, ये देखिए कोसेक होता है साइन का उल्टा, ये होता है साइन का उल्टा। बेसिक नहीं जानते होंगे तो देख लीजिएगा, इसको देखिए क्यों लिखेंगे, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, साइन थीटा बढ़ जाएगा, इसमें गुना करेंगे ये हो जाएगा साइन थीटा। दोस्तों यहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ कर रहा हूँ इसका एलसीएम लेके, यानी इस तरह समझे ये भिन्न का जोड़ हो गया। तब देखिए यहाँ साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया तो कॉस थीटा आ जाएगा ऊपर में, तो देखिए यहाँ हो गया क्यू बट्टा एक। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो देखिए इस तरह से हुआ। अब देखिए यहाँ जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्यू हो गया। अब देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्यू, सॉरी पी है यहाँ, तो ऊपर में देख लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी, इसके जगह पे हम पी लिख सकते हैं, इसके जगह पी पी ये हो जाएगा पी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए क्यू बट्टा वन। अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, अब यहाँ एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। चलिए इधर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इसको कुछ नहीं किया, इसको मैं सिर्फ एक स्टेप इसको बढ़ाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता, वन लिखा और प्लस टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख लिया। अब देखिए अब इसको थोड़ा अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ इसको चलिए सही कर लेते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, नहीं तो चलिए एक स्टेप इसको और बढ़ाते हैं। तो देखिए ये हो गया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखिए पी स्क्वायर, इधर देखिए ये प्लस में उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, वन को ले गया तो देखिए ये हो गया, यानी टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस वन हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इसको कोना कोनी गुना करते हैं, यहाँ से कोना कोनी, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करेंगे
तो ध्यान दीजिएगा, इसको इससे गुना करेंगे पी हो जाएगा, इसको गुना करेंगे क्यू, इसको गुना करेंगे क्यू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा ध्यान, यहाँ से देखिए क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यानी देख लीजिए यहाँ हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं इस तरह से, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और देखिए इसको क्या करते हैं पी, इसको इधर भी देते हैं, पट्टन हो जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी बटा क्यू। तो चलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ, इसका मान हम लिख सकते हैं टू, इसका क्या लिख सकते हैं टू इंटू, और देखिए इसका मान क्या आया था, इसका मान देखिए, इसका मान हम निकाला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी बटा क्यू, यहाँ लिखेंगे पी बटा क्यू, पी बटा क्यू लिखेंगे इस तरह से। अब देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा टू पी, इसको गुना कीजिए टू पी हो जाएगा, और देखिए इधर ये है गुना में, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भाग में। तो देखिए यही सिद्ध करना था, देख लीजिए टू पी बराबर क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन। तो देखिए इस तरह से आपका यही सिद्ध करना था, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन बराबर टू पी। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, थोड़ा लेंदी था लेकिन ध्यान दिए होंगे तो आप समझ गए होंगे, थोड़ा देखिए इधर उधर करने में दिक्कत हो गया, वैसे आप देखिए यदि दिक्कत हो फिर कमेंट कीजिएगा, आपको मैं सिस्टमेटिक से बताने का प्रयास फिर से करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।